लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी सीतापुर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में चेतराम प्रजापति संस्थापक व संचालक के द्वारा उप जिलाधिकारी सदर को एक सूत्री ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि पीड़ित अनिल कुमार पुत्र सोहनलाल, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, जो कि ग्राम मकवापुर थाना मानपुर परगना खैराबाद जिला सीतापुर सदर तहसील सीतापुर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल व आमरण अनशन पर बैठा है। ज्ञात हो कि पीड़ित की मांग है कि थाना मानपुर के दबंग बंसीलाल पुत्र राजाराम के द्वारा आम रास्ते में अवैध कब्जा कराकर बनाई जा रही दीवार का निर्माण कार्य तत्काल रुकवाया जाए व अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराकर आम रास्ते को खुलवाया जाए। इससे पीड़ित व गांव के अन्य लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में एक IVRS मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी दिया गया है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी के संचालक व संस्थापक चेतराम प्रजापति के द्वारा दी गई। संवाददाता प्रांशु कुमार मिश्रा की देखें रिपोर्ट। हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि हमारी जो मांगे हैं पूरी नहीं हो रही हैं और जो पीड़ित है वो यहाँ पर ज़्यादा परेशान है, उसको लेकर यहाँ पर समस्याओं को लेकर हम लोग एकत्रित हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अनिश्चितकाल के लिए यहाँ पर हम लोग धरना में तैयार तत्पर रहेंगे। कौन सा थाना है आपका? थाना मानपुर। पूरा मामला बताइए। थाना मानपुर ग्राम मकुआपुर थाना मानपुर परगना खैराबाद जिला सीतापुर। क्या मामला है? मामला है मतलब हुसैनी रास्ता थी, उसमें विपक्षी बंसीलाल पुत्र राजाराम ने वहाँ पर जो है सकरी गली कर दिया है, जहाँ पर ठेलिया आने जाने में बड़ी दिक्कतें होंगी और भूसा लकड़ियाँ हम भरकर कैसे ले जाएंगे अपने घर को। सार्वजनिक मार्ग है? हाँ, सार्वजनिक मार्ग है। सार्वजनिक नहीं है? अरे सार्वजनिक है भाई। तो ये कब से उन्होंने अवरोध कर रखा है? ये कर रखा है 24 तारीख से, लेकिन हम लोग 26 तारीख से दौड़ रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस बाबत प्रार्थना पत्र आपने नजदीकी चौकी वगैरह में दिया? हाँ, थाने में IGRS करवाया और उससे 4 दिन जब कुछ नहीं वहाँ हुआ तब हम लोग धरना पर बैठे। कल वहाँ पर आपको क्या उन्होंने क्या बताया? वो कल आए थे जब यहाँ धरना पर हम थे शाम को, तो कहते थे कि यहाँ जो है रास्ता वो देखा तो कहा दीवार पावा हटा लो अपने, उनसे तो हटाने को तैयार नहीं है। कहा प्रधान ने लगवाया है, यहाँ पर बताया है दीवार निशान लगवाया, हम बना रहे हैं, तो पुलिस वाले सुनकर चले गए थे। मतलब वो टालकर आपको चले गए और आपकी समस्या का समाधान नहीं? समाधान नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर भी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इससे ऊपर कहाँ तक जाएंगे? पहले यहाँ जब समाधान नहीं होगा तो हम लोग लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आपका नाम? चेतराम प्रजापत। तो राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी में आपका क्या पद है? हमारा, मैं फाउंडर कमेटी सदस्य हूँ और संचालक भी हूँ।